अंधेरा घना है, ये बेहतर है जुगनू के लिए। अंधेरा घना है, ये बेहतर है जुगनू के लिए। शिद्दत से जो चमका सितारा हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैगपाई में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक चंद्र आज प्रोग्राम प्रस्तुत हुआ हूं, आज एक नया कार्यक्रम लेके। आज हम मैगजीन मैगपाई अप्रैल 2022 एडिशन को लॉन्च करेंगे, जो कि मुंबई से लॉन्च होने वाला है। आज जो हमारे साथ विशेष गेस्ट हैं, वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री अविनाश त्रिपाठी जी हैं, जो कि मुंबई से एक फिल्म मेकर हैं, राइटर हैं और स्क्रिप्ट राइटर हैं, और ये लिरिसिस्ट हैं, गीतकार हैं। तो आइए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, अविनाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मैगपाई में। बहुत बहुत आभार अभिषेक जी, आपने मुझे बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं थोड़ी देर में आपके साथ अपनी जिंदगी के जो बीते हुए पल हैं वो आपके साथ साझा कर पाऊं, और बहुत सारी जो स्थितियां मेरे साथ उभरी हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊं जी। थैंक यू। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अविनाश जी आपसे अनुरोध करूंगा कि मैगजीन मैगपाई अप्रैल 2022 एडिशन को आप कवर पेज दिखाते हुए उसको रिलीज करें और दर्शकों को बताएं उसके बारे में क्या आपने देखा उसमें। तो ये बहुत ही खूबसूरत जो कवर आपको दिखाई दे रहा है, ये फेमस मैगजीन फैशन मैगजीन मैगपाई का है, और मेरे ख्याल से दर्शक इसको देख पा रहे होंगे। और जैसा अभी अभिषेक जी ने शुरुआत में बताया कि ये अप्रैल 2022 इस महीने का ये एडिशन है, इस महीने का ये अंक है। और फैशन पिछले कुछ सालों में मुझे लग रहा है कि भारत में बहुत तेजी से उसमें परिवर्तन भी आया है और नए आयाम, नए डायमेंशन जुड़े हुए हैं। उन सारे नए डायमेंशन को कवर करते हुए और नए जो फैशन डिजाइनर हैं जो आसमान छूने की कोशिश कर रहे हैं अपनी मौलिकता से, अपने इनोवेटिव अप्रोच से, उनको एक प्लेटफॉर्म, एक फलक, एक उनको अपना जाहिर करने के लिए एक मौका दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है एक बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है जी। थैंक यू। बहुत धन्यवाद आपका अविनाश जी, आपने मैगजीन को रिलीज किया और दर्शकों को बताया कि कैसे जो फैशन फील्ड में जो मैगजीन है और जो डिजाइनर्स है वो कैसे आगे बढ़ के आ रहे हैं, नए नए प्रतिभाएं। अच्छा, अब आपसे मेरा एक सवाल ये है अविनाश जी कि जैसे आपने विगत 20 वर्षों से लगभग 750 से ज्यादा शॉर्ट फिल्में, जो लघु फिल्म कहते हैं, वो एक बनाया है और एक नया कीर्तिमान भी है, तो मैं चाहूंगा कि दर्शकों को आप बताएं कि इसके बारे में आपका क्या अनुभव रहा और कैसे इसको किस आयाम तक आप ले गए और कैसे इसको आपने बनाया, इस जो लघु फिल्म है, लघु फिल्म के बारे में भी थोड़ा सा आप बताएंगे हमारे दर्शकों को जी। देखिए, बड़ा ये एक मुश्किल प्रक्रिया रही है मेरे लिए, क्योंकि जैसे आपने बताया कि 20 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है, एक बहुत लंबा वक्त होता है। और मेरे ख्याल से जो लघु फिल्म बनाने की मेरी शुरुआत हुई वो मूलतः ये हुई क्योंकि मैं एक बड़ा क्रिएटिव किस्म का इंसान था, और जब आप क्रिएटिव होते हैं तो आप अपनी बात को कहीं ना कहीं दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। कई बार वो आपकी जो क्रिएटिविटी होती है वो कविता की तरीके से दूसरों तक पहुंचती है, कई बार कहानी के रूप में किसी तक पहुंचती है। बट मुझे हमेशा ये लगता रहा कि कहानी और कविता, उनके चूंकि डायमेंशन थोड़े कम है, मतलब वो चूंकि विजुअल उसमें जुड़ा नहीं होता, उसमें सिर्फ टेक्स्ट होते हैं, तो वो कुछ लोगों तक पहुंच पाता है। कुछ लोग जो पढ़े लिखे लोग होते हैं जिनको कविता में या कहानी में शौक होता है, वो आपकी बात पढ़ते हैं, आपकी कहानी पढ़ते हैं, आपकी कविता सुनते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान का ऐसा तबका है जो शायद उस तरीके से रुचि नहीं रखता कविता और कहानी में, उसको मैं अपनी बात कैसे पहुंचाऊंगा। और सिनेमा के बारे में बचपन से ये जानता था, पढ़ता आया था कि सिनेमा जो है वो सबसे मजबूत माध्यम है क्रिएटिविटी का, एक्सप्रेशन का। अपनी भावनाओं को अगर आप सामने वाले तक संप्रेषित करना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा माध्यम सिनेमा है। और जब मैं आज से 20 साल पहले, जिसका आपने जिक्र किया, उस समय मेरी जो उम्र थी वो इतनी थी नहीं, ना ही इतना संसाधन मेरे पास था कि मैं एक बड़ी फीचर फिल्म बनाऊं और अपनी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो अपनी फीचर फिल्म के माध्यम से कहूं। तो जब आप किसी परेशानी में होते हैं उस टाइम पे ही आपका कोई इनोवेटिव अप्रोच आपके अंदर आता है, या आप कहेंगे तो उसका एक आविष्कार आप करते हैं,
तो मुझे लगा कि अब मैं बड़ी फिल्म तो बना नहीं सकता, कविता का एक बहुत सीमित दायरा है, कहानी का दायरा बहुत सीमित है, तो क्यों ना मैं अपनी बात को एक छोटी फिल्म की शक्ल में दुनिया तक पहुंचाऊं। तकरीबन 2000 के आसपास की बात है, 20-22 साल पहले की बात है, और मैंने फिर छोटी छोटी जो है वो शॉर्ट फिल्म अलग अलग विषयों पे बनाना शुरू किया। और तब हिंदुस्तान में शॉर्ट फिल्म का उतना रेज नहीं था, उतना लोग अवेयर नहीं थे, उस तरह का ट्रेंड नहीं था जैसा पिछले 2-3-4 साल से जो है भारत में देखा जा रहा है। तो बहुत फेज नहीं शुरुआत, था ये कह सकते और हैं। हाँ मतलब अब तो काफी लोग अवेयर हो गए हैं और वो एक कॉमर्शियल एंटिटी हो गई है, पहले ये कोई जी कॉमर्शियल एंटिटी नहीं थी, ये आपके एक्सप्रेशन का एक माध्यम जरूर था। तो उस समय मैंने शुरुआत की और फिर आपको अच्छा लगने लगा अपनी बात कहने का, तो बहुत सारे विविध विषयों पे जो बहुत समाज से जुड़े विषय हैं, जो सोशल टॉपिक्स हैं, जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो टूरिज्म है, तो बहुत सारे अलग अलग विषयों को मैं अपने केंद्र का हिस्सा बनाता रहा और अल्टीमेटली उन पर फिल्म बनाकर लोगों तक अपनी बात पहुंचाता रहा। इस तरह शुरुआत हुई मेरी। और हम देख सकते हैं कि आपके जो पीछे बैकग्राउंड में काफी सारे ट्रॉफीज और सर्टिफिकेट्स लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि इतने वर्षों का जो लगन और मेहनत है वो सामने आके दिख रहा है। आप इंटरनेशनल आर्ट कल्चर के फाउंडर डायरेक्टर भी रहे हैं, तो जी सर इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या है। हाँ, ये जो मेरा ये एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है जो मैं कर रहा हूँ, ये इंटरनेशनल आर्ट कल्चर एंड सिनेमा फेस्टिवल है। ये बुनियादी तौर पे मैं बहुत सारे, चूंकि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का एडवाइजर और जूरी रहा हूँ, और देश विदेश की बहुत सारी फिल्में मैंने देखी हैं और उस पर अपना जजमेंट दिया है। बहुत सारी फिल्म फेस्टिवल देखने के बाद मुझे लगा कि हम कई बार अपनी सारी जो रचनात्मक चीजें उनको केंद्रित सिनेमा तक कर देते हैं, और सिनेमा हालांकि देखा जाए तो सबसे ज्यादा फाइनेस्ट आर्ट फॉर्म है, क्योंकि इसके अंदर दुनिया के सारे आर्ट फॉर्म जाके इकट्ठा हो जाते हैं, ब्लेंड हो जाते हैं। तो सिनेमा अपने आप में बड़ा कंप्लीट आर्ट फॉर्म है, लेकिन इसके बिल्कुल अलावा भी बहुत कुछ है जिसपे हम शायद कभी गौर नहीं कर पा रहे। तो अब जैसे पेंटिंग है, पेंटिंग अपने आप में बहुत कमाल का आर्ट फॉर्म है, जिसमें आप अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी बातों को सिर्फ रंगों के द्वारा आप कहते हैं, उसमें कोई शब्द नहीं होते, कोई दूसरी चीज नहीं जी होती, लेकिन आप एक्सप्रेस करते हैं। तो दुनिया में जो अलग अलग आर्ट फॉर्म है, उन सारे आर्ट फॉर्म को मैं, मेरा विचार था कि एक छत के नीचे लाना चाहिए, जिससे उनके बीच की जो कैमरेडरी, उनके बीच का जो रिलेशन है, वो भी कहीं ना कहीं जाहिर हो पाए। तो एक तो मेरा मुख्य उद्देश्य ये था, दूसरा मैं ये चाहता था कि वर्ल्ड के जितने ग्लोबल आर्ट आइकॉन्स हैं, चाहे वो सिनेमा वर्ल्ड के हों, चाहे वो पोइट्री के हों, लिटरेचर के हों, पेंटिंग के हों, थिएटर के हों, डांस या म्यूजिक के हों, इन सबको भी एक छत के नीचे आना चाहिए और अपनी बात कहना चाहिए, और आपस में ये जो अलग अलग आर्ट फॉर्म है, ये एक दूसरे के साथ कैसे जेलिंग कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे मिल सकते हैं, इनके बारे में एक क्रॉस कल्चरल एटमॉस्फेयर की बात होनी चाहिए। और तीसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण मेरा जो सोचना था इस फेस्टिवल को लेकर, इंडिया में बहुत ज्यादा टैलेंट है, जी अनफॉर्चुनेटली जो बिल्कुल छोटे शहर का और गांव का जो टैलेंट है उसको वो मौके नहीं मिल पाते जो शायद बड़े शहरों के लोगों को मिल जाते हैं, और कई बार तो उस टैलेंट को खुद नहीं पता होता अपने बारे में कि उसके अंदर इतना टैलेंट है, क्योंकि उसके टैलेंट को किसी ने तराशा नहीं होता, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया होता, और उसकी जो पूरी जुस्तजू है, उसकी जो पूरी कोशिश है, वो इसमें लगी रहती है, किसी तरीके से वो दो रोटी जो है अपनी जिंदगी के लिए और अपने परिवार के लिए जो है वो कर पाए। तो कला जो उसकी है, जो बहुत मजबूत कला उसके अंदर है, ऊपर वाले नीति है, वो सेकेंडरी हो जाती है और अपना पूरा फोकस वो अपनी जीविका अर्जन करने में लग जाता है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि ऐसे जो बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं, जो लेसर नोन है, जिनको लोग दुनिया नहीं जानती, लेकिन उनके अंदर हुनर बहुत है, उनको हम आइडेंटिफाई करें, उनको तराशी, और तराशने के बाद दुनिया के सामने रखें, कहें कि ये हिंदुस्तान का हुनर है, और जो दुनिया के किसी भी हुनर से कमतर नहीं है, अगर इस पे नजर पड़े, अगर इस पे लोग इसको, इसकी कला को देखें, तो ये भी वान गॉग हो सकता है, ये भी रजा हो सकता है, ये भी हुसैन हो सकता है, या ये भी वर्ल्ड का बिल्कुल किसी भी बड़े फिल्म मेकर जैसा हो सकता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हमने अल्टीमेटली ये डिसाइड किया कि हर अलग अलग आर्ट फॉर्म के लोगों को हम इकट्ठा करेंगे, एक छत के नीचे ले जाएंगे और उनकी कला को दुनिया के सामने पेश करेंगे। और सिर्फ इसको हम इंडिया में नहीं करना चाहते, हम इसको वर्ल्ड के सभी कॉन्टिनेंट में जाकर और वहां के टैलेंट और इंडिया के टैलेंट को एक छत के नीचे लाना चाहते हैं। तो ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो अविनाश जी, जो आपने 750 लघु फिल्में जो बनाई हैं उनमें से कुछ सारे एक हिंदुस्तान में ही बने हैं, या कुछ जो जैसे आप इंटरनेशनल में हैं तो आप बाहर के भी उसमें बने हैं, ऐसा भी कुछ है? ये सारी फिल्में हमने यहाँ यही बनाई है। हाँ, ये जी जरूर है कि रेफरेंसेस हमने जरूर बाहर से लिए हैं, जैसे जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था 2006 में, जी तो मैंने एक फिल्म बनाई थी जो इंटरनेशनल टेररिज्म के ऊपर थी, और उस फिल्म का नाम था अब्बास।
तो उस फिल्म की प्रक्रिया में हमने जो है वो इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो अटैक है उसको भी दिखाया था, लंदन में जो अटैक हुआ था हमने उसको भी दिखाया था, लेकिन बाकी जो फिल्म है वो इंडिया में शूट हुई थी। तो हम रेफरेंसेस जरूर लेते हैं क्योंकि जो जी दर्द है मुझे लगता है वो कॉमन है, जो परेशानी है वो कॉमन है। वो पूरे वर्ल्ड, अगर हम टेररिज्म की बात करें तो पूरा वर्ल्ड टेररिज्म से परेशान है, तो आप उसको इंडिया में शूट करें या वर्ल्ड के किसी हिस्से में, बट वो मुख्य समस्या लगभग वैसी ही है। तो हम अलग अलग विषय का चुनाव करते हैं और उसमें जहां संभव हो पाता है उसको हम वैसे शूट करते हैं, क्योंकि शॉर्ट फिल्म का बजट बहुत कम होता है, तो कई बार आपको बिल्कुल, दूसरे देश में जाके और उसको शूट करना संभव नहीं हो पाता। जी तो ये शॉर्ट फिल्में जो थी इनके पटकथा जो स्क्रिप्ट कहते हैं, तो उसमें क्या किस विषयों पर ये था, किन किन विषयों को आपने उजागर किया है इसके? बहुत सारे विषय, जैसे मैंने कहा ना कि चूंकि 750 इतना बड़ा दायरा है कि आप बिल्कुल अगर चाहेंगी तो लगभग सारे विषय इसके अंदर समा जाएंगे। तो हमने एक तरफ सोशल विषयों को लिया, जहाँ पे गर्ल चाइल्ड, हिंदुस्तान में गर्ल चाइल्ड की क्या कंडीशन, उसके एजुकेशन की क्या कंडीशन है, हमने इसके ऊपर भी फिल्म बनाई। दूसरी तरफ हमने बाल अधिकारों के ऊपर भी फिल्म बनाई, चाइल्ड लेबर के ऊपर भी फिल्म बनाई, हमने स्मोकिंग के ऊपर भी बनाई, हमने ड्रग्स के ऊपर भी फिल्म बनाई। किस तरह का आजकल का जो युवा है वो बहक के जो है वो ड्रग्स और स्मोकिंग की तरफ चला जाता है, और उससे उसको कैसे बचना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे सामाजिक विषय हैं जहाँ जो मुझे लगता था कि एक फिल्म मेकर मैं हूँ तो मेरा काम सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, मेरा काम सिर्फ अपने प्रोडक्ट से पैसा कमाना नहीं है, बल्कि मेरी एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। तो समाज का एक प्रभुत्व वर्ग होने की वजह से समाज को मैं क्या दे रहा हूँ और अपने क्रिएटिव फॉर्म से उनके आदतों में क्या मैं सुधार ला सकता हूँ, मुझे लगता है ये भी मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए मैंने बहुत सारी ऐसी फिल्में बनाई जो समाज को एक सही दिशा दे पाए और युवकों को खास तौर से उस दिशा में ले जाए जहां उन्हें जाना चाहिए। तो अलग अलग विषयों का चुनाव किया। बहुत खूब अविनाश जी, और जैसा आपने अभी बताया कि भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो छुपी भी रहती हैं, तो जाहिर सी बात है इन 750 फिल्मों में जो लघु कथा आपने लघु फिल्म जो आपने बनाया था, तो इनमें कई सारी प्रतिभाओं नए प्रतिभाओं को भी अवसर मिला होगा, जी जी तो बिल्कुल इन बिल्कुल, चूंकि अलग अलग विषय पे हम फिल्म बनाते थे तो उसमें जो माकूल एक्टर हमें लगता था, जी और हम कोशिश करते थे कि इसमें कॉमर्शियल एक्टर हम नहीं लें, और क्योंकि कॉमर्शियल क्या हो जाता है उनके साथ एक ऑलरेडी उनकी एक इमेज बनी होती है, तो वो किसी ऐसे तरह जी के रोल में उनकी उनकी पहचान बनना मुश्किल हो जाता है। तो हम अमूमन ऐसे एक्टर को लेते थे जिसने पहले कभी काम नहीं किया हो और स्क्रीन पे पहली बार वो काम कर रहा हो, तो एक तो बहुत फ्रेश टैलेंट रहता था वो, और वो किसी रोल को जब करता था तो वो ज्यादा कन्विंसिंग लगता था। तो इस तरीके से क्या, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो आज इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि एक भी एक तरीका है कि आप एक अच्छे विषय पर फिल्म भी बनाते हैं और उसमें कुछ नई प्रतिभाओं को मौका भी मिलता है। तो हमारे दर्शक यहाँ जानना चाहेंगे कि आप जो नए प्रतिभाओं का चुनाव करते होंगे उन कैरेक्टर्स में रोल्स के लिए, तो वो कैसे करते थे, किस तरह से आप नए प्रतिभाओं को मौका देते हैं, कैसे उनको ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, कुछ इस विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो देखिए आपका किरदार होता है, किरदार की एक अपनी खासियत होती है, उसका एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसका एक मेंटल कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो आप जब कोई एक किरदार लिखते हैं, जब आप एक पटकथा लिखते हैं उसमें एक किरदार के बारे में लिखते हैं, उसका कैरेक्टर स्केच लिखते हैं, और जब आपको उस कैरेक्टर स्केच से मिलता जुलता कोई शख्स, कई बार सड़क पर चलते हुए मुझे दिख गया, मैं एक फिल्म बना रहा था एक बहुत मशहूर शायर के ऊपर फिल्म बना रहा था, और मैं गाड़ी से जा रहा था और अचानक मुझे एक लड़का, जैसा मैंने करेक्टर सोच रखा था कि ऐसा करेक्टर होगा उस किरदार का, वैसा लड़का मुझे दुकान पे कोल्ड ड्रिंक पीते हुए मिल गया। मैं अपने गाड़ी रोक के मैंने उसको उसको अप्रोच किया, उसको बताया, उसने कभी जिंदगी में एक्टिंग की नहीं थी, उसको एक्टिंग के बारे में ये भी नहीं पता था, लेकिन फिर मैंने उसको बात समझाई और कुछ उसके साथ वर्कशॉप किया, और अल्टीमेटली वो हमारी उस फिल्म का जो है वो मेन किरदार उसने निभाया और बहुत अच्छा निभाया। तो ऐसे ही होता है कि आपके, क्योंकि जो राइटर होता है, और इत्तेफाक से अगर राइटर और डायरेक्टर दोनों एक ही व्यक्ति हो तो उसके दिमाग में वो पूरा करेक्टर होता है कि वो ऐसा दिखेगा, इस तरह की उसकी बॉडी होगी, इस तरह की उसकी जबान होगी। अगर वैसा किरदार आपको चलते फिरते भी कई बार मिल जाता है तो आप उसको मौका भी देते हैं और आप उसको जी, तराशते भी, उनकी जिम्मेदारी जो का। मैं आचार्य डॉक्टर पवन पांडे जी की एक दो पंक्तियां कोट करना चाहूंगा। एक मोती ढूंढने को सागर की गहराई नापता रहा, मोती पाने के लिए गहरे गोते लगाने ही होंगे, मोती पाने के लिए गहरे गोते लगाने ही होंगे। जी, हमने सुना है कि आपको वित्त गौरव अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, तो ये किस विषय पे और क्यों और कब मिला था?
ये अभी आई थिंक ये कुछ 3 साढ़े 3 महीने पहले की बात है ये। आई थिंक अगर मैं पर्टिकुलर डेट बताऊं तो शायद ये 29 दिसंबर 2021 मुंबई में एक बड़ा समारोह हुआ जिसमें भारत के अलग अलग क्षेत्र के वो लोग जिन्होंने अपने कार्यों से कुछ समाज में परिवर्तन को लेकर आए, समाज को एक दिशा दी और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ वो काम करते रहे, अपने क्षेत्र में उन्होंने अच्छा बड़ा काम किया, ऐसे लोगों का चुनाव किया गया और जिसमें कुछ पद्मश्री पद्म भूषण इस तरह के बड़े लोग भी थे। तो उस श्रृंखला में खड़े हो जाना ही मुझे लगता है कि मेरे जैसे व्यक्ति की जो बहुत शुरुआत कर रहा है उसके लिए एक बड़ा बड़ी उसकी उपलब्धि है। तो तो अच्छा लगा, बढ़िया और मुझे बात लगता है। है हाँ जब आप ईमानदारी से काम करते हैं पुरस्कार हमेशा बाई प्रोडक्ट होता है, आपका एम कभी नहीं होता, और जब आप ईमानदारी से काम करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग समाज के आते हैं जो आपके काम को रिकग्नाइज करते हैं और प्रोत्साहन मिलता है। जब आपको पुरस्कार मिलता है तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा आती है और आपको लगता है कि आपके काम को लोग सराह रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है कि आप समाज को कुछ और अच्छा दें। अविनाश जी, जैसा कि आपने दूरदर्शन और भी कई टीवी प्रोग्राम्स में एंकरिंग और जर्नल्स में भी आपने एंकरिंग किया है, तो आपका जो सफर रहा है और जो शुरुआत में जो आपका माइंडसेट रहा होगा कि नहीं मुझे गीतकार बनना है, स्क्रिप्ट राइटर बनना है, तो इसका कैसे आपने जो शुरुआत में आपके माइंड में आया होगा कि मुझे किस प्रकार से आगे लेके चलना है, इसको कैसे क्या करना होगा कि मैं गीतकार और एंकरिंग और गीतकार को कैसे आप दोनों को रिलेट करके कैसे आप यहाँ तक आज पहुंचे? देखिए बड़ी कमाल की बात है, गीतकार बनना शायद मैंने कभी चाहा नहीं और ये कोई मेरा अच्छा बचपन से एम नहीं था। मेरा सिर्फ एम ये था कि मैं अपने आप को किस तरीके से एक्सप्रेस करूं, और उसमें दो बातें थी। एक तो ये था कि मैं बचपन से बड़ा शाई किस्म का इंसान था और बहुत कम बोलता था, इंट्रोवर्ट था और अपने आप में सिमटा रहता था, लेकिन अंदर बहुत कुछ था। तो जब आपके अंदर बहुत कुछ होता है लेकिन आप किसी से शेयर नहीं करते, आप अकेले में रहते हैं, तो आपकी मजबूरी बन जाती है कि आप लिखना शुरू करें, क्योंकि आपको शेयर तो करना ही है। आप जबान से शेयर नहीं कर रहे हैं, लोगों से बांट नहीं पा रहे हैं अपनी बात, तो आप उसको लिखना शुरू कर देते हैं। मेरी शुरुआत भी ऐसे कि कुछ 6-7 बरस की उम्र में मैंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया और कविताएं लिखी, इत्तेफाक से मेरी कविता छपने भी लगी। तो वहां से आपको लगा कि ठीक है ये अच्छी बात है कि मैं 2-4 लोगों से अपनी कविता कहता शेयर करता, उससे अच्छा है कि अखबार में छप रही है, शायद हजारों या उससे भी ज्यादा लोग आपकी कविता को पढ़ रहे हैं। तो ये एक धीरे धीरे एक शुरुआत हुई, कविता लिखने शुरू किया। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो जर्नलिस्ट हो गया, मुझे लगा कि ये भी एक अच्छा माध्यम है जिसमें अपनी बात को, अपनी व्यू पॉइंट को आप दुनिया के सामने रख सकते हैं। किसी भी बड़े सामाजिक या राजनीतिक विषय को आप अपनी तरीके से जो है वो देख समझ सकते हैं और दुनिया से शेयर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी लगा कि उसमें भी एक लिमिटेशन है, उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी ज्यादा शामिल नहीं कर सकते, उसमें वही कर सकते हैं जो दुनिया में हो रहा है, उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। तो ये सब एक विकासात्मक मुझे लगता है कि प्रक्रिया होती गई जिसमें धीरे 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 आपकी जो जिस्म है उसमें नए नए पंख जो है वो जुड़ने लगे। कविता लिखते लिखते फिर मुझे लगा कि ये बड़ा अच्छा है, मैं अपनी भावनाएं बड़े अच्छे तरीके से प्रेषित कर लेता हूँ। और इत्तेफाक से मुंबई में एक बड़े फिल्म डायरेक्टर को अपनी कहानी सुना रहा था, और कहानी सुनाने के वक्त उसी समय एक बड़े म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने बहुत बड़े बड़े फिल्मों का म्यूजिक दिया है, पान सिंह तोमर, वेलकम बैक, साहब बेबी और गैंगस्टर जैसी बड़ी फिल्म का म्यूजिक दिया है, वो वहां से गुजर रहे थे और वो बैठ गए वहां पे जहाँ पे मेरा नरेशन चल रहा था कहानी का। और उस कहानी में, कहानी तो मेरी लिखी हुई थी ही लेकिन गाने भी मेरे लिखे हुए थे, तो जब उन्होंने वो गाना मेरा सुना जो मेरा लिखा हुआ गाना था, तो उनको वो गाना बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं, और हम दोनों ने एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज किए और उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए लिखिए, और फिर मैंने उनके लिए कुछ लिखा। तो मुझे ग्रामर का जो ज्ञान था वो नहीं था, जी मैं लिरिक्स कैसे लिखी जाती है मुझे नहीं पता था, कविता कैसे लिखते हैं, गजल कैसे लिखते हैं, नज्म कैसे लिखते हैं ये मुझे पता था। उन्होंने मुझे बताया कुछ बेसिक ग्रामर होता है, आपको मात्राओं का ध्यान रखना पड़ेगा, जो पहली लाइन है और दूसरी लाइन है दोनों की मात्राएं बराबर होनी चाहिए। तो वो मैंने सीखा और सीखने के बाद कुछ 3 साल के करियर में 2.5-3 साल के करियर में मैंने कुछ 2 दर्जन के आसपास जो है वो गीत लिखे, और अच्छे बड़े सिंगर जिसमें कविता कृष्णमूर्ति, जिसमें शान, जिसमें कविता सेठ, हमेशा बहुत अच्छे बड़े सिंगर जो है वो मेरे गाने गा रहे हैं और अप्रिसिएशन मुझे मिल रहा है, तो हौसला बढ़ रहा बहुत खूब अविनाश जी, है। मुझे लगता है कि अगर हम लेखक हैं और हम अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने आप को बयान करना चाहते हैं, तो कुछ आपको इस लहजे में करना चाहिए जैसा कि मशहूर कवि दिनकर साहब ने कहा था, उनकी 2 लाइनें हैं कि लिख ऐसी कोई चीज की दुनिया डोर उठे, लिख कोई ऐसी चीज की दुनिया डोर उठे, या कर कुछ ऐसा काम कि जमाना बोल उठे।
तो अगर आप ये अपनी जिंदगी में इसको अगर आप अपनाते हैं तो कामयाबी 100% आपके कदम चुमेगी। नए अपने जो न्यू प्रोजेक्ट्स हैं अभी आपके वर्तमान में, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, अभी आई थिंक पिछले कुछ 3-4 महीनों में मैंने 3-4 अच्छी बड़ी फिल्म साइन की है, और कुछ फिल्म का मैं डायलॉग लिख रहा हूँ, कुछ फिल्म का स्क्रीन प्ले, डायलॉग और लिरिक्स, ये सारी ही चीजें लिख रहा हूँ। तो अलग अलग तरीके से मुझे लग रहा है कि अपनी बात को कहने का मुझे मौका मिल रहा है। जब हम डायलॉग लिखते हैं तो वो एक अलग मौका होता है, क्योंकि आपको अलग अलग किस्म के जो किरदार होते हैं उस कहानी के अंदर, उनकी जबानें अलग होती हैं, उनकी सोच अलग होती है, तो आपको उस सोच के अंदर घुस के आपको लिखना पड़ता है या सोचना पड़ता है कि करेक्टर आपका क्या है, उस करेक्टर की डिमांड क्या है, किस तरह की जबान वो बोलेगा, उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, सोशल बैकग्राउंड क्या है, तो ये सब कंसिडर करके आप लिखते हैं। जब आप गाना लिखते हैं तो अगेन आप दो बातें ध्यान रखते हैं, एक तो आपकी करेक्टर आपका किस तरह का है, क्योंकि करेक्टर अगर आपका बहुत रफ किस्म का पुलिस ऑफिसर है और उससे बड़े शायराना किस्म का अगर आप कोई गीत अगर उससे इसके मुंह से आप कहलवाएंगे या वो गाएगा तो वो मैच नहीं करेगा। ये बड़ा जरूरी है कि आपका कैरेक्टर किस किस्म का है, तो आपको उस तरह का गाना लिखना होता है, उस तरह का इमोशन आपको अपने गाने में भरना होता है। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग काम है, और मुझे लगता है कि एक जो स्क्रिप्ट राइटर होता है उसको ह्यूमन साइकोलॉजी की बड़ी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, और तभी वो अलग अलग तरह के जो लोग होते हैं उनकी साइकी समझ के, उनकी साइकी में घुस कर, और तब वो अच्छा लिख सकते। बहुत खूब अविनाश जी, आज आपसे बात करके बहुत सारे चीजों का पता चला, स्क्रिप्ट और शॉर्ट फिल्म को कैसे बनाते हैं और कैसे उसमें आप का पदार्पण हुआ इसमें, और आप कैसे आप लेकर इसको अपने इस मुकाम तक लेके चले हैं। एक आखिरी सवाल आपसे इस प्रोग्राम के लिए ये है कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, न्यू कमर्स, फ्रेशर्स, जो डिजाइनर्स मॉडल्स हैं, उनके लिए मैगपाई के जो न्यू इमर्जिंग डिजाइनर्स और मॉडल्स हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं उनको? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक तो कभी भी आपको असफलता से डिस्करेज नहीं होना चाहिए। हम लाइफ में जब कोशिश करते हैं, और कोशिश अक्सर कामयाब होती है अगर वो ईमानदार है, अगर वो आप पैशनेट है अपने काम को लेकर। तो मैं जब शुरुआत मैंने की थी तो मैं उत्तर प्रदेश का एक बहुत छोटा सा जिला है बस्ती, जो अयोध्या और गोरखपुर के बीच में है, और बहुत अनफॉर्चुनेटली डेवलप नहीं रहा कभी, और 20-22 साल पहले तो डेवलपमेंट वहां बिल्कुल नहीं था, एक्सपोजर बिल्कुल नहीं था, इंटरनेट था नहीं। तो जब मैंने ये विचार किया था कि मैं सिनेमा में जाना चाहता हूँ, तो बहुत हास्यास्पद चीजें थी वहां पर, मतलब लोग यकीन नहीं कर सकते थे, इतने छोटे शहर का कोई व्यक्ति जिसका सिनेमा का कोई बैकग्राउंड नहीं, परिवार दूर दूर तक सिनेमा से जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो कैसे करेगा। लेकिन आपका कन्विक्शन था, आपका पैशन था, तो अगर आप अपने पैशन से चीजें करते हैं और आपके अंदर सपोर्टिंग टैलेंट भी है, तो आपका कामयाब होना 100% लाजमी है। आप ये कोशिश करेंगे, इनफैक्ट मेरा लिखा हुआ एक शेर है जो मैं अक्सर कहता हूँ, और मुझे लगता है कि उसको अगर हम जिंदगी में अपना लें तो आप काफी हद तक कामयाब होने की आपकी गुंजाइश बढ़ जाती है। मेरा शेर है कि अंधेरा घना है, ये बेहतर है जुगनों के लिए। अंधेरा घना है, ये बेहतर है जुगनों के लिए, शिद्दत से जो चमका सितारा हो जाएगा। तो जितना आपके आसपास घना अंधेरा है, जितना आपके आसपास डार्कर सिचुएशन है, उतना आपके शाइन करने की पॉसिबिलिटी है। जो कुछ भी इंसान बनना चाहता है और उसको लग रहा है कि अभी आजकल बहुत डिफिकल्ट टाइम है, मैं नहीं कर पाता, समझिए आपको ऊपर वाला एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आपको शाइन करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आप डट जाइए, पैशन के साथ काम करिए, सक्सेस विल फॉलो। अविनाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस पैनल पे आए और अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी जिंदगी की बातें आपसे शेयर कर पाऊं, और इसके लिए मैं आपका और मैगपाई मैगजीन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। तो दर्शकों, आज आपने देखा कि मैगपाई अप्रैल 2022 एडिशन को हमने मुंबई से श्री अविनाश त्रिपाठी द्वारा लॉन्च कराया, और आज अविनाश त्रिपाठी जी के बारे में भी हमें जानने के मौका मिला कि शॉर्ट फिल्म और स्क्रिप्ट राइटिंग को कैसे करते हैं, और उसके सहारे अविनाश जी ने अपना जो ये आज जिस ऊंचाइयों पे हैं उसको कैसे पहुंचेंगे, वहां वहां तक कैसे पहुंचे, और उन्होंने हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत अच्छा संदेश दिया है, हमारे मैकपाई के एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा संदेश दिया है। तो इसी बातों के साथ आज का ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।